सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी सेकेंड का पाठ आठवां रचनात्मक गतिविधियाँ। रचनात्मक गतिविधियाँ यानी कि उसमें कोई भी रचनात्मक कार्य, जैसे आपको कुछ भी वर्क रचनात्मक देते हैं, जैसे आपको कोई भी पेंटिंग बनाने का चित्र वर्णन कर देते हैं, या फिर कोई चित्र बना के फिर आपको उसमें क्या क्या दिखता है या उसका वर्णन करो, तो आप उसमें कैसा नज़ारा है वो दिखाकर आपको उसका उसके भी वाक्य बोलने के लिए कहते हैं आपको कि उसमें आपको क्या दिख रहा है वैसा। तो वो रचनात्मक अपने हिसाब से अपन क्या देखते हैं, उसमें क्या क्या नया कर सकते हैं और क्या क्या अपने हिसाब से अपना नज़रिया क्या है उसमें, वो रचनात्मक कहलाता है। तो इसमें पहले चित्र पहली पठन है। चित्र पहली पठन का मतलब होता है ये चित्र को देख कर इनकी पहेलियों को, यानी कि ये चित्र है, देखिए ये चित्र है तो इसमें सारे चित्र हैं, तो उसमें नया सीक्वेंस है, यानी कि पहले नंबर का कौन सा आएगा, दूसरे नंबर का कौन सा आएगा, वो सारा करना है। देखिए इसमें पहले कहानी पढ़ते हैं और उसके हिसाब से इन चित्रों को अपन क्रमबद्धता से उसको अपन जमाएंगे। तो देखिए कहानी पढ़िए। घर के पीछे आम के एक पेड़ पर गिलहरी रहती थी। अब घर के पीछे आम के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। आम का पेड़ कहाँ पे और गिलहरी रहती थी वो देखेंगे। फिर सारा दिन चिक चिक करती, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दौड़ती, कभी घर के बाहर बगीचे में दिखाई देती तो कभी न जाने कहाँ गायब हो जाती। अचानक नहीं लाली ने चिक चिक की आवाज़ सुनी। गिलहरी वह अपनी गुड़िया फेंक कर बाहर की ओर दौड़ी। चिक 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 तेज तीखी आवाज़, लाली ने आवाज़ दी, माँ भी बाहर दौड़ी। देखा गिलहरी बाहर पड़े बेकार चूहे दाने में आ फंसी। चूहे को पकड़ने के लिए लगाई गई सूखी रोटी के लालच में वह इसमें फंस गई। माँ ने गिलहरी को उसमें से निकाल दिया। गिलहरी दीवार पर चढ़ गई। उसने रुककर पीछे देखा लाली और माँ से, मानो कह रही हो धन्यवाद। लाली ताली बजाकर हंस पड़ी, माँ भी मुस्कुरा पड़ी। अर्थात अपन कोई काम, कोई कार्य करते हैं और कोई अपनी मदद करता है तो अपने को उसको अंत में धन्यवाद भी बोलना चाहिए। इससे अपने को ये भी शिक्षा मिलती है इस पैराग्राफ में, जो जो भी अपनी एक कहानी है तो उसमें, कि अपना कोई मदद करता है कोई भी चीज़। अपन कहीं भी अपन देखते हैं कि कोई पेन भूल जाता, कोई पेंसिल भूल जाता, किसी से दूसरे से अपन लेते हैं तो वापस देते हैं, तो अपने को धन्यवाद भी बोलना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद बोलना भी आना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहले तो गिलहरी के लिए फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ, गिलहरी पेड़ पर चढ़ती थी और चकचक करती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, वह इधर इधर भी दौड़ती थी, घर के आगे पीछे चिक चिक करती हुई इधर घूमती रहती थी। दूसरे नंबर का ये रहा। अब तीसरे नंबर का ये आवाज़ सुनी तो चिड़िया, उसकी चिक चिक की आवाज़ सुनी तो वो गुड़िया फेंक कर दौड़ी। अब तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे क्या हुआ, चिल्लाई वह मामा यूं करके, तो उसका ये रहा। अब मामा चिल्लाई तो माँ भी दौड़ी, उसका ये चित्र रहा। माँ के दौड़ने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि गिलहरी वह चूहे दानी जो चूहे पकड़ने के लिए बनाए थे उसमें फंस गई थी, तो उसमें फंस गई थी वो देखा। तो ये रही चित्र छठे नंबर का। और सातवें नंबर में क्या है, उसको बाहर निकालती है माँ, तो उसको बाहर निकालो। और आठवें नंबर पे वह गिलहरी वह बाहर निकली, जैसे ही वह झट से ऊपर वहाँ से निकली और पेड़ पर चढ़ गई। चढ़ते समय वह पीछे मुड़कर माँ और बेटी दोनों को देखते हैं, जिसे वह धन्यवाद देने के लिए देख रही, वैसे तो उसका चित्र ये रहा। अब ऐसे चित्र पठन आपके आएंगे, चित्र लेने की देख के और उसमें जो कहानी है तो उसके हिसाब से उसका उसकी क्रमबद्धता करनी है। अब चित्रकथा पठन में दूसरा है, नवा पाठ है उसमें चित्रकथा पठन है। पहले में क्या था, चित्र पहली पठन। पहली पठन में पहले पैराग्राफ दे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से उसमें चित्र जो दे रखे हैं तो उनको क्रमबद्धता से जमाना है। अब चित्र पठन में क्या होता है, चित्र दे रखे हैं तो उनको उनके हिसाब से बोलना है। तब रोज बादल गरजते हैं, रोज मोटी मोटी बूंदे, बारिश की बूंदे आसमान से नीचे धरती पर आती है। माली काका ने बगीचे में जो, अब चित्र दे रखा है टमाटर, ये लौकी है तो लौकी को बोलते हैं, मिर्ची है, मटर है के बीज बोए थे, उनके बीज बोए थे माली काका ने। हंसते गाते बाहर सीन निकल कर नन्हे नन्हे पौधों के रूप में, थोड़े से अंकुरित हो जाते के रूप में निकल आए। पेड़ के पत्ते झूम झूम कर गीत गा रहे थे। अब बाहर थोड़े दिन बाद तो बड़े पेड़ बन गए और पेड़ के पत्ते भी, यानी कि जो पेड़ है तो पेड़ के पत्ते भी झूम झूम कर गीत गा रहे हैं। चिड़िया तोता गिलहरी बहुत प्रसन्न थे, अपने अपने यानी कि कोटर पे, अपने अपनी जगह पे, यानी कि जो उनके रहने का स्थान था अपने बिल में, पानी भर जाने के कारण
छोटे सांप और चींटी अब सब बाहर निकल आए थे। पानी आया तो जो जमीन पर यानी कि बिल बना के रहते हैं चींटियां सांप है वो भी बाहर से निकल आए थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, टप टप पानी की बूंदे टप टप गिर रही थी, बादल गड़गड़ कर रहे थे, बिजली कड़क चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कह रहे हो कि सूरज दादा अब तुम्हारे निकलने का समय नहीं आया। अब सूर्य भगवान को यानी कि बारह यानी कि सूर्य भगवान का समय नहीं आया कैसा बोल रहे हो, सब ये चित्र को देख के उसका पठन करना है। अब 10वें में है आपके अनुभव लेखन कि पहली बार, अच्छा इसमें तो दे रखा है पहली बार आइसक्रीम खाकर देखी है। अब आइसक्रीम तो आपको आइसक्रीम है तो आइसक्रीम आपने कैसे कलर की ली, वो आपको क्यों पसंद है, कैसी आइसक्रीम थी, उसका आकार कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, तो उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। उसी तरह आप कभी छोटे होंगे पहली बार आपने साइकिल चलाई, या पहली बार अब कंप्यूटर में बैठे हो, या पहली बार कहीं ट्रेन में बैठे हो, पहली बार बस में बैठे हो, तो उसका वर्णन कितना अजीब रहता है। जो काम फर्स्ट टाइम करते हैं, पहली बार आप स्कूल आए तो उसका थोड़ा सा ध्यान है, दूसरी स्कूल बदली उसके बाद आप स्कूल में आए, दूसरी स्कूल में एक्सचेंज होगी उसके बाद पहला स्कूल का पहला दिन तो कैसा लगा, तो सारे अनुभव इसमें लिखने हैं। दूसरे सब ऐसे ऐसे आपके अनुभव लेखन का आता है। तो इसमें तो क्या आइसक्रीम का है, दूसरे में है गुब्बारा खरीद कर, यानी कि आपने गुब्बारा रेड कलर का लाल कलर का गुब्बारा खरीदा, लाल कलर का गुब्बारा खरीद के देखो और उसकी क्या क्या विशेषता उसके बारे में 4-5 पंक्ति में लिखना है। अब ये तो हो गए, उसके बाद आपके आता है अनुच्छेद पठन एवं लेखन। अनुच्छेद पठन एवं लेखन में जैसे आपके गाय है तो गाय के ऊपर अपने को गाय को देखकर, या अपने पास पालतू गाय है तो उसके ऊपर उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। कुत्ता है तो कुत्ते के बारे में बताना है। फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता के बारे में बताते हैं। भाई होली का त्यौहार, होली का त्यौहार कैसे खेलते हैं, या मेरा विद्यालय तो मेरे विद्यालय तो मेरा विद्यालय कैसा दिख रहा है और उसके चारों तरफ क्या है, उसमें कितनी कक्ष है यानी कि कक्षाएं कितनी है, कौन कौन से टीचर हैं वहाँ पे, किस तरह से पढ़ाते हैं, अपने मित्र स्कूल में कैसे हैं, कैसे अपन स्कूल में आते हैं, स्कूल का वातावरण कैसा है, स्कूल में क्या क्या खेलते हो तुम, कैसे प्रेयर करते हो स्कूल में, प्रेयर के समय क्या क्या बोलते हो, वो सारा अपन मेरा विद्यालय इसमें कर सकते हैं। तो इसमें पहला श्यामा गाय का दे रखा है तो बोलू काका की गाय है, या सफेद और भूरे रंग की है, बोलू काका ने इसका नाम श्यामा रखा है। श्यामा की 4 टांगे 2 नुकुले सींग हैं जिनसे अपनी रक्षा करती है, अपनी लंबी पूंछ से पीठ और पेट पर बैठी मधुमक्खियों को उड़ाती है। इसके गले में एक सुंदर घंटी बंधी है। श्यामा प्रतिदिन 8 किलो दूध देती है। इसके दूध से माँ दही मक्खन घी और पनीर बनाती है और यह हरी घास तथा हरा चारा खाती है। श्यामा गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये तो गाय के बारे में उसने बताया। तो उसकी तरह विद्यालय के मेरा विद्यालय, या मेरा मित्र हो, प्रिय मित्र हो, या मेरा घर, या मेरे घर के बाहर एक उद्यान है, बगीचा है, तो उस बगीचे के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हो। तो उसके बारे में आपको करना है, इसकी सबकी आपको PDF मिल जाएगी, एक बार तो इसको पढ़ना है। उसके बाद ये मेरी पाठशाला ये चित्र है तो इसमें आपको वर्णन है कि विद्यालय विद्यालय का वर्णन दे रखा है, विद्यालय में क्या है, सुबह में कितनी बजे उसकी बेल लगती है, विद्यालय में सुंदर सुंदर पेड़ है, फूल लगे हुए हैं उसके बारे में, विद्यालय में खेल का मैदान भी है, पुस्तकालय है, और वहाँ के टीचर कैसे हैं उसके बारे में सारा लिखना है। उसके बाद मेरी साइकिल देने की, साइकिल आपके अपने साइकिल ली फर्स्ट फर्स्ट में छोटे बच्चे में तो आपके साइकिल चलाने का रहता है, साइकिल साइकिल चलाने में कैसा आनंद अनुभव हुआ, किसके साथ चलाते हो, तो वो सारा आप लिख सकते हो आप। उसके अलावा एक सुंदर घर का एक सुंदर चित्र, यानी कि आपके घर का एक चित्र आपका ही देख लो, आपके घर का एक सुंदर सा चित्र बना के उसके घर की विशेषता बतानी है और उस घर में कौन कौन रहते हैं, यानी कि आपके दादा दादी चाचा चाची आपके भाई बहन मम्मी पापा सब जो भी रहते हैं तो उनके सबके बारे में यहाँ पर लिखना है, आपका घर का चित्र बना के फिर उसके बारे में लिखना है। या तो मेरा घर, मेरा प्रिय मित्र लिख सकते हो, मेरा विद्यालय लिख सकते हो, इसके बारे में आपको करना है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 2 की हिंदी सेकेंड का पाठ 12 कहानी पठन अर्थात कहानी को पढ़ेंगे। किस कहानी है, कहानी पढ़ने में बच्चों को बहुत मजा आता है तो अपन यहाँ पर आज कहानी पढ़ेंगे। देखिए चित्र है, चित्र भी दे रखा है, कौन सी कहानी है वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा चित्र को देख कर भी, फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं कि कहानियाँ कौन कौन सी है। इस तरह से आपको भी कहानियाँ याद करनी है और यहाँ स्कूल में जब भी आओ तब आपको सुनानी है। इन
कहानियों को आपको समझना है और याद करनी है, ठीक है। अब शरारती टोम्बू। गोल मटोल भूरे बालों वाला एक टोम्बू भोलू भालू था। गोल मटोल भालू था, टोम्बू पिता के साथ दूर नदी में मछली खाने जा रहा था। अभी सूरज निकला भी न था, बहुत सर्दी हो रही थी। इधर कूदता उधर उछलता टोम्बू, शैतानी करता हुआ कलाबाजी करता खाता, कभी इधर मुड़ जाता कभी उधर। पिता ने कहा, टोम्बू धीरे धीरे सीधे चलो, इन झाड़ी में बहुत काटे हैं, फंस जाओगे। पर टोम्बू तो अपनी मस्ती में ही था। पिता ने सोच लिया था अब वे कभी टोम्बू को मछलियाँ खिलाने नदी पर नहीं ले जाएंगे। नदी को दूर से देखते ही टोम्बू दौड़ पड़ा, मानो करते करते नदी में मना करते करते वह नदी में कूद गया। अब पिताजी ने मना करा तो भी दौड़ते दौड़ते वो मना करते करते भी वह नदी में कूद पड़ा। घात लगाए मच्छर टोम्बू की टांग पकड़ ली, टोम्बू चिल्लाया। टोम्बू के पिता ने बहुत मेहनत से टोम्बू को बचाया, वे फिर कभी टोम्बू को अपने साथ बाहर नहीं ले गए। अब इसमें है कि शरारती है, शरारती बच्चे रहते हैं तो कभी कभी मम्मी पापा मना कर रहे हैं ये चीज़ मत करो, तो भी वो करते हैं, वो करते हैं तो वो अपना नुकसान करवा बैठते हैं। जिस तरह से टोम्बू ने उसके पिताजी ने मना बोला कि तुम इधर 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 झाड़ियों में उधर देख के चला करो, नदी में जाओ तो भी इतने उछल कूद मत करो। अब पिताजी के मना करने के बाद भी वो नदी में चला गया, और नदी में चला गया तो वहाँ पे घात लगाए कौन बैठा था, मच्छर मगरमच्छ बैठा था। तो मगरमच्छ था, उसने उसकी टोंगू की टांग पकड़ ली। अब टोंगू मगरमच्छ तो पूरा टांग पकड़ के खा भी जाएगा, थोड़े थोड़े करके उसका खा जाता, पर जैसे तैसे करके उसको टोंगू को उसने बचा लिया उसके पापा ने। तो इसे और फिर उसको मना कर दिया कि वहाँ पे अब कभी भी नहीं जाएगा। अब उसको भी डर लग गई वो भी कभी नहीं जाएगा। पर शरारतों में बड़ों का कहना मानना चाहिए, इसमें क्या शिक्षा मिलती है इससे कि बड़ों का अपने को कहना मानना चाहिए, जो बड़े कहते हैं उनका अपने को पालन करना चाहिए और ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह एक बुद्धिमान सियार है। एक घने जंगल में शेर रहता था, वह बहुत भूखा था। उसे दो दिन से कोई शिकार नहीं मिला था। घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई दी, वह गुफा में घुसकर चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा कि इस गुफा में रहने वाला जानवर वापस आएगा तब मैं उसे मारकर खाऊंगा। कुछ देर बाद सियार अपनी गुफा में लौटा। उसने गुफा के बाहर एक शेर के पंजों के निशान देखे, वह समझ गया कि शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ है। उसने एक चाल चली, उसने बाहर से पुकारा, एक गुफा में आ गया हूँ, आज तुमने आई एस सी आर जी कहकर मेरा स्वागत क्यों नहीं किया। गुफा में बैठे शेर ने सोचा कि सचमुच यह गुफा के रोज बोलती होगी, ऐसा सोचकर सी आर वापिस चला जाएगा। गुफा के अंदर से बोला, आइए सी आर जी आपका स्वागत है। जैसे ही सी आर ने शेर की आवाज़ सुनी वह वहाँ से जान बचाकर भाग गया और शेर गुफा में इंतजार करता ही रह गया। अब यहाँ पे बुद्धि सियार की बुद्धिमती का परिचय दिया कि बुद्धिमान यानी कि हर जगह जहाँ पे भी अपने को चारों तरफ छानबीन करके अपने को पर अपने को देख देख कर ही अपना आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर कदम पर कोई अपनी मुसीबत आती है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है कि सियार ने किस बुद्धिमती से अपनी जान बचाई शेर से, क्योंकि शेर था वो अपने उसके घर में बैठा हुआ था और उसने ठीक है उसने देख लिए वो पैर उसके पद की चिन्ह देख लिए, नहीं तो डायरेक्ट गुफा में घुस जाती वो सियार गुफा में घुस जाता, शेर उसको मार डालता। पर उसने चारों तरफ अपना ध्यान देखा कि अपने घर के आसपास बराबर ध्यान रखते तो ही पता चलेगा, तो उसने भी ध्यान रखा तो उसको शेर के पद के चिन्ह यानी कि पैरों के निशान दिखाई दिए। तब जाके और फिर उसने बुद्धि चातुर्य से उसको शेर को अंदर है कि नहीं है वो भी उसने पता लगाया कि शेर मेरी गुफा तो रोज बोलती है, और शेर था ठीक है शक्तिशाली था पर उसको उसमें बुद्धि नहीं थी, तो उसने सोचा कि वास्तव में गुफा बोलती होगी, तो उसने भी आवाज़ लगाई थी। शेर की आवाज़ तो पता चल ही जाती है, तो उससे उसको पता चल गया कि हाँ अंदर शेर ही है, और फिर वह सियार थी वह वहाँ से निकल गई। इसी तरह एक तीसरा है चिड़िया के बच्चे। निराली चिड़िया के नन्हे पाँच बच्चे अब कुछ बड़े ही हो चले थे। चीची चीची के शोर से निराली परेशान हो जाती, वह फूल से उड़कर जाती और दाना ला लाकर बच्चों को खिलाती। एक दिन बच्चों ने पूछा, माँ हम कब उड़ेंगे, आसमान की सैर कब करेंगे, अपने आप दाना कब चुकेंगे। माँ ने कहा, अभी नहीं, अभी तुम्हारे पंख कमजोर गिर जाओगे, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, कोए और चील से बचना सिखाऊंगी, नहीं तो वे तुम्हें खा जाएंगे। निराली बच्चों को समझा कर दाना लेने बगीचे में गई। एक बच्चे ने माँ की बात नहीं मानी, उसने अपने नन्हे पंख फड़फड़ाते घोंसले के बाहर उड़ चला।
पर यह क्या, घोंसले से निकलते ही वह धड़ाक से पेड़ की टहनी से गिर जा पड़ गिरा और रोने लगा। अब ये सब होने लगा और फिर वहाँ पे चील आ जाती है, इसमें ये नहीं रखा पर इसमें चील आ जाती है। और चील आ जाने के बाद क्या होता है कि चील रहती है और कोयल वो वहाँ पे देखते हैं तो वो उसको जैसे ही झपटने जाते हैं वैसे उसकी माँ उसको बचा लेती है और फिर उसको मना करते हैं कि तुमको हमारी बात नहीं मानी, इस कारण तुमको ये कहीं ये निकल जाते, तो इसलिए बड़ों का कहना भी आपको मानना चाहिए। अगर उसकी माँ समय पर नहीं आती तो वो छोटा बच्चा था उसको चिड़िया कौवा कोई भी खा जाता। तो इस तरह से अपने को भी अपनी समस्या मुसीबतों का मुसीबत बड़े कहते हैं तो उसका कहना मानना चाहिए कि बड़े हैं वो अपनी मुसीबत होने के अपने को किसी भी समस्या से अपने को बचाते हैं, बचाने के लिए ही अपने को कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने को नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए ही वह अपने को मना करते हैं किसी चीज़ के लिए। उनका ध्यान रखना चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। धन्यवाद।